अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पालक कीमा। देखिए, मैंने इधर कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें प्याज डाल देंगे। अभी हम प्याज को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम इसमें डालेंगे एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम कढ़ाई में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसमें मटन का खीमा डाल देंगे। खीमे को भी अच्छे से मिक्स कर लें। अभी हम इसमें आधा गिलास पानी डाल के खीमे को पका लेंगे। देखिए, खीमा अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसमें पालक को डाल देंगे। अभी हम पालक और खीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम कढ़ाई को ढककर और 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, 10 मिनट के बाद पालक खीमा अच्छे से पक चुका है। मेरी ऐसे ही आसान सी रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।